मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तेज गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट लिया और आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इसी बीच ठाणे, कलवा, मुंब्रा, दीवा में तेज हवाएं भी चलने की वजह से ठाणे के कापुर बावड़ी नाके पर लगे एक बड़ा सा होल्डिंग अचानक गिर गया और जिसमें चार गाड़ियां इसके नीचे आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहरहाल किसी के घायल होने की खबर यहां से नहीं है। इसी तरह से मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा इलाके में श्री गणेश पैलेस की छठी मंजिल के ऊपर से दीवार जो है वो बताया जा रहा है तेज़ हवा चलने की वजह से टूटकर नीचे गिर गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, मगर तेज़ हवा चलने की वजह से ये सभी बच्चे इमारत में चले गए और यहीं से लोगों को आने जाने का रास्ता भी है और दीवार का मलबा जो है वहीं पर आकर गिरा है। बताया जा रहा है कि श्री गणेश पैलेस निर्माणाधीन इमारत है। इस इमारत का काम अनुमानित करीब करीब 7 से 8 साल पहले शुरू हुआ था और छठी मंजिल तक काम हुआ और आगे करीब 1 साल से परांची लगा हुआ है, मगर अभी तक इमारत का काम रुका हुआ है और इस इमारत में कुछ परिवार रहते भी हैं। और आज तेज़ हवा चलने की वजह से बताया जा रहा है कि इमारत की छठी मंजिल के ऊपर जो ब्लॉक लगाकर दीवार बनाया गया था वो अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। हालांकि दीवार गिरने की जानकारी मनपा प्रशासन और दमकल विभाग को मिली। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और मनपा प्रशासन ने इस पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया है।